कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान नागपुर की ओर से आज ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र और देश बचाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराए, चुनाव आयोग इस मांग को लेकर आज पूर्व पार्षद तनवीर अहमद की ओर से आंदोलन किया गया। मैं तनवीर अहमद, माजी नगर सेवक, महानगर पालिका नागपुर, संयोजक कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान। ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव लेना चाहिए, ये हमारी मांग को लेके हम लोग ने आज धरने का कार्यक्रम यहाँ पर रखे हुए हैं। देश से आरटीआई से मांगी हुई जानकारी के अनुसार देश से 19 लाख ईवीएम गायब है, उसके बावजूद चुनाव आयोग किसके दबाव में ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होते तो बीजेपी के जो नेता है और उनके जो कार्यकर्ता है वो चुनाव के पहले एक आंकड़े घोषित कर देते कि हमारी 300 सीट आ रही, अब की बार 300 पार, अब की बार 200 पार, और उतनी सीटें आती। पिछली बार महानगर पालिका में भी इन लोग ने बोले थे कि 110 सीटें आएंगी, तो 107 सीटें आई। तो ये जो आंकड़ा है इनको पहले से कैसा पता चलता है इसका। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि सभी लोगों की नाराजगी है। आज किसान लोग परेशान हैं इनसे, व्यापारी परेशान है, ईडी सीबीआई से, इनकम टैक्स से लोग परेशान हैं, उसके बाद में इनकी चुनके कैसे आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल देश के जनता के सामने है। और इसका विरोध करने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग को लेके हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए। और हमारी मांग है कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, उन्होंने अपनी निष्पक्षता से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन लोग ने 21 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट, इनका जो पैनल था, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था, चुनाव आयोग, अब प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष नेता और चुनाव आयोग वो पैनल में थे। इन लोग ने संसद में कानून बदल दिए 21 तारीख को, और उसी दिन संसद भी खत्म कर दिए, भंग बर्खास्त कर दिए। उसके बाद में 12 तारीख को इन लोग ने पहले राज्यसभा में ये बिल पास कर दिए थे कि इसमें चुनाव आयोग को बाहर कर दिए। तो ये जो देश में मनमानी चल रही है इसका कहीं तो भी रोकथाम होने को ना, और इसका विरोध करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे इकट्ठा।